एक बार हजूर करम सल्ला अलैहि वसम मस्जिद नबूई से बाहर निकल कर जा रहे हैं तवज्जो मेरे अजीज हो अखलाक कहाँ दिखाने चाहिए और हमारी बातचीत के अंदाज हमें कहाँ होना चाहिए मैं आपको बताऊं। हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे हैं साहब कराम खड़े थे हजूर के अतराफ मदीन तयबा की एक बूढ़ी खातून जिसका जहनी तोजुन खोया हुआ है यानी वो दिमागी तौर पर डिसेबल है और वो आई जा रही थी लोग जब भी उसको देखते रास्ता काट लेते वो जिसको भी पकड़ती थी सुनाना शुरू करती थी जो मुंह में आया है बकने लग जाए और लोगों को तंग तंगी महसूस होने लगती सहाबा ने देखा कि ये औरत आ रही है हुजूर की तरफ आ रही है सब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया उसका रास्ता रोकने के लिए अब आएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर ज़ुबान दराजी करने लग जाए पागल औरत है और बकबक बक करने लग जाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में कहीं कमी ना आ जाए सहाबा का ये हमेशा अहतमाम रहता हजूर करम वसल्लम ने देखा तो सहाबा से कहा हट जाओ उसको आने दो हट जाओ उसका रास्ता छोड़ दो सहाबा ने कहा यार वसल्लम उसका जहनी तोज़ुन ठीक नहीं है दिमागी तौर पर वह औरत ठीक नहीं है वो आएगी और लंबी बातें करती है लायानी बातें करती है कहीं आपकी शान पाक में कोई गुस्ताखी ना हो जाए साहबा रोक रहे थे हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया इरशाद फरमाया हट जाओ उसका रास्ता छोड़ दो मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई नहीं सुनता मैं भी ना सुनू तो किसको सुनाएगी अगर मैं भी ना सुनू तो किसको किस को सुनाएगी ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली जाह की वो बुलंद अखलाक करीमाना की एक मिसाल है जिसको खुद मेरे आका ने फरमाया इस्तुली बोस्तुल मल अखलाक अजीज़ा नगर में वक़ार, लोगों के आज हालात ऐसे हैं कि अच्छे लोगों के साथ अखलाक अलग दिखाए जाते हैं छोटे लोगों के साथ अखलाक अलग दिखाए जाते हैं स्टेटस का आदमी हो तो उसके साथ मिलने के तरीक़े अलग हैं और गरीब कोई आ जाए फ़क़ीर कोई आ जाए तो उससे मिलने का अंदाज़ अलग हो जाए ये ना हो ये हम सब के लिए नसीहत है इसी मुंबई की सरजमीन पर मैं आपको बताऊं एक माहिम शरीफ में बुज़ुर्ग हाजी साहब हुआ करते थे आज से तकरीबन दस बारह साल पहले की वो कई लोगों से एक सवाल करते थे पकड़ पकड़ करके कि मेरा एक सवाल है आप जवाब देंगे मेरा एक सवाल है कई वलमा से उन्होंने पूछा मुझसे भी उन्होंने जब मैं नया था मिस्र से पढ़ कर के आया था मेरे पास आकर कहा काफी सालों से मेरे जहन में एक सवाल होता है मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कहा बताइए क्या है कहा मैं हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत राम आल का मुरीद हूं लामा हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत रईस आजम उड़ीसा जिनके खिदमत जलीला आज हो सकता है नई जनरेशन को ना मालूम हो उनका लकब है मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने सुन्नियत की बका के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान किया था वो मुजाहिद मिल्लत अजीम बुजुर्ग वली है, कामिल है। ये हाजी साहब कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल आदमी था कड़िया था यानी घर बनाने का काम करता था जब वो मुंबई तशरीफ लाते तो दौड़ करके हर जगह से लोग मिलने आते मैं भी गया था और उस वक्त मैं जवान था मिलत रहत की बात वो बता रहे हैं कि लोग लाइन लगा करके मुसाफा कर रहे थे मिल रहे थे जब मिल रहे थे तो फिर मेरा नंबर आया मैं मिलने के लिए गया बुजुर्गों के सब हाथ चूमते हैं यह हमारे सुन्नियों के तरतरीक हैं अदबा के हाथों का बोसा लेना यह मुस्तहसन है यह हमारे आदाब में से मामूलात अहले सुन्नत में से तो जब सब लोग उनके दस्त बोसी कर रहे थे हाथ चूम रहे थे मैं भी करीब गया और जब मेरा नंबर आया मैं हाथ चूमने के लिए गया तो उन्होंने मेरा हाथ लेकर खुद ही चूम लिया वो बुजुर्ग आली जाह वली कामिल जिनको दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है मेरा हाथ उन्होंने चूम लिया और मेरे अंदर ऐसी पशीमानी थी कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आया मैं एक मामूली सा कड़िया और कहां उनका मकाम कहां मेरा तो उसके बाद वो इस बेचैनी में रहते थे कि ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया क्योंकि पूछने का मौका ही नहीं मिला एक बुजुर्ग थे उन्हीं के खलीफा थे मुजाहिद मिलत के उन्होंने इसका जवाब दिया मेरे अजीज़ों क्या बेहतरीन जवाब था हज़रत मुजाहद मिलत ये चाहते थे कि हजारों लोग हमारी ताज़ीम करते हैं तो कहीं हमारे दिमाग में बादशाहत का ख्याल ना आए हम गरीब और फकीर का हाथ छूम कर अपने नफ्स की मुखालफत भी करते हैं अखलाक करीमाना दिखाने के लिए स्टेटस वालों के साथ ही नहीं गरुबा फकरा के साथ भी वो अखलाक हो नबी करीम सल्लम के वो आदाब आज अगर आप अपना लें बहुत सारी कड़वी चीजें वैसी खत्म हो जाए आज मुंबई की सरजमीन पर सबसे बड़ा यह चैलेंज है बात करने में नौजवानों के तो आज पारे चढ़े हुए होते हैं इनसे कोई भी बात कर ले जिस तेवर में ये बात करते हैं ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई हो जाएगी अभी झगड़ा हो जाएगा इसकी आदत सी बन गई है आपको पता है फरमाया गया अरबी का कौल है जराहतान लहल तियाम जरा तलवार से चाकू से दिया हुआ जख्म सूख सकता है जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता जुबान से दिया हुआ जख्म नहीं सूखता बोलने से पहले हजार बार इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं कहीं उसका दिल छलनी तो नहीं हो जाए मेरी जुबान ये होती पचास ग्राम की छोटी जुबान है लेकिन बड़े बड़े लोगों के कलेजे चीर कर रखती है बड़े बड़े लोगों के दिलों में सुराख करके कर कर रखती है जख्मी करके कर कर रखती है इसका इस्तेमाल इसीलिए रिवायत में मिलता है कि जब इंसान सुबह करता है तो सारे आजा हाथ पैर आँख कान नाक सारे आजा सबसे पहले जुबान से ये अर्ज करते हैं उसकी पनाह मांगते हैं कहते हैं आज तू सही सलामत रहेगी तो हम सब सही सलामत रहेंगे और अगर तू फिसल गई तो अजाब हम पर भी होगा जुबान बोलती है मार किसी और को पड़ती है कोई जुबान को मारता नहीं है गाली जुबान देती है लेकिन मार कभी पीठ पे पड़ती है सर पे पड़ती है हर जगह पड़ती है तो ये जुबान नबी करीम वसल्लम ने इशात फरमाया मी माँ बई नही माँ बहना हजूर पाक सल्लल्लाहु सल्ला फरमाते हैं जिसने दो चीजों की जमानत मुझे दे दी हिफाजत की मैं उसे अजमन लहुल जन्ना मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूँ दो चीजें क्या हैं हुजूर फरमाते हैं एक दो जबड़ों के बीच में जो मौजूद जुबान है इसकी हिफाजत कर ले और दो रानों के बीच में जो शर्मगा इसकी हिफाजत कर ले ये दो चीजें जिसने बचा लिया मैं उसको जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी देता हूं जमानत देता हूं इसका कितना बड़ा किरदार है ये जुबान का कितना बड़ा किरदार है और हजूर ने एक बार पकड़ करके फरमाया था जुबान को पकड़ करके कहा था यह वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दो में भी ले जाती है कलमा किससे पढ़ते हैं आप ला इल्लल्लाह ही से तो पढ़ते हैं इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया और काफिर जो कुफ्र करता है वो भी जुबान से ही करता है और जुबान उसे हमेशा की दोजख में ले जाती है इस जुबान को चलाने से पहले हजार बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गई